This is a assertion reason problem regarding rolling of a wheel. Statement 1 says, when a wheel is rolling on ground, the path followed by any point on its circumference is called cycloid. ये statement 2 है, मैं example के लिए उस point के बारे में बात करूँगा जो फिलहाल bottom उस point पे है. इस पॉइंट का मोशन अगर आप ट्रेस करें, अगर पाथ आप ट्रेस करें, तो पाथ इसका कुछ ऐसा होगा. ये एक सिमेट्रिकल पाथ होगा, कुछ ऐसा दिखने वाला. इस पाथ को हम कहते हैं साइक्लोइड. इसका लेंथ होता है 8 टाइम्स रेडियस. ये डिस्टेंस होता है 2 pi r, बिकॉज एक रिवोल्यूशन में आपका व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 pi r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ये हाइट ऑब्वियसली इसके डायमीटर के बराबर, मतलब 2 r होता है. इसको हम साइक्लोइड कहते हैं. स्टेटमेंट 1 ट्रू है. स्टेटमेंट 2, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर इन वन रिवोल्यूशन इज 2 pi r. ये भी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, एकदम बेसिक सा सवाल है. जब एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेगा तो सेंटर ऑफ व्हील कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर. तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. दे आर जस्ट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. ये आपका आंसर होगा.